ओके अच्छा, अब जो हमारी स्टेज है, सेकंड स्टेज, उसका नाम है मेटाफेस। अच्छा आप लोग पहले बेटा अपनी वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज। सेकंड स्टेज है हमारी मेटाफेस। अब इस मेटाफेस के अंदर क्या होता है कि वो जो क्रोमोसोम्स थिक हो गए थे और सेंट्रियोल्स के साथ अटैच हो गए थे, वो क्या करते हैं, वो अब इक्वेटर ऑफ द सेल पे सेट हो जाते हैं। इक्वेटर ऑफ द सेल पे वो सेट हो जाते हैं, ठीक है। मेटाफेस में सिर्फ ये होता है, दे अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल। मिस, सेल एंड स्पिंडल आर द सेम थिंग? सॉरी, सेल एंड स्पिंडल। जी मिस, बुक में लिखा हुआ इटसेल्फ, इट अरेंजेस इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। एक मिनट, ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम इज ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम है। इक्वेटर ऑफ द सेल्स, इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल से क्या मुराद है इनकी? इक्वेटर ऑफ द सेल, क्योंकि अभी ये बुक जो है ना वो ट्रायल बेसिस के ऊपर है। महक बेटा आप भी वीडियो ऑन कर लें अपनी, सो मैंने आपको बताया ये देखें इक्वेटर था ना, वो ऑफ कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा ओके चलिए ठीक है। मेटाफेस पे अब क्या हुआ, क्रोमोसोम्स ने अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद एनाफेस, एनाफेस में क्या हुआ, अब जो सेंट्रोमीर जो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हुए हुए थे वो फिर अलग होना शुरू हो जाते हैं। अलग होके वो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो थे सिर्फ अभी अटैच थे और इक्वेटर पे सेट थे, इक्वेटर ऑफ द प्लेन इस पे सेट थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये अलग हो गए हैं, सब दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। और फिर टीलोफेस में क्या होता है, टीलोफेस में फाइनली जो है ये लोग अपोजिट पोल्स पे, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म स्टार्ट होती है तो साथ में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होना शुरू हो जाता है, जो कि वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें कवर कर जाता है, और न्यूक्लियर मटेरियल अलग हो जाता है और साइट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनके पॉइंट्स मार्क करवा देती हूँ। मेटाफेस में तो पूरा ही चला जाएगा, क्योंकि यस को आप लोग अपने थोड़े ओन वर्ड में शॉर्ट करना चाहें, लेकिन वैसे ये पूरा ही जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर। जी मिस, मिस मैंने इसको पॉइंट्स में करके क्वेश्चन बना के लिख दिया है। चलो गुड है। और ये जो ऑफ द स्पिंडल लिखा हुआ है ना, इसको खत्म कर दें, ये वाली लाइन को खत्म कर दें, ऑफ द स्पिंडल छोड़ दें, और ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू सेपरेट स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमीर। अच्छा फिर इसके बाद एनाफेस, एनाफेस में क्या है, क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम पोल्स, बस इतनी, ये दो लाइन में क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, सही है। और मिस टीलोफेस आपकी में, आवाज थोड़ी कट रही थी, एक दफा फिर रिपीट करते हैं। ओके, एनाफेस में मैंने कहा यहां से क्रोमोसोम्स डिवाइड्स एंड द क्रोमोटिड्स, यहाँ पे क्रोमोटिड्स की स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखी हुई है, क्रोमोटाइड्स लिखा हुआ है, क्रोमोटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स।
क्योंकि इस बुक के शुरू में ये बात लिखा हुआ है कि ये अभी ट्रायल बेसिस पे चल रही है, ये फाइनलाइज्ड वर्जन नहीं है, ट्रायल बेसिस पे है, जो एरर्स आएंगे वो उनको दोबारा भेजे जाएंगे तो उसको करेक्शन करके नए एडिशंस निकालेंगे, ठीक है? हाँ, बस एक पॉइंट के अंदर ही बात आ गई ना कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमीर के पॉइंट पे हर स्पिंडल के साथ जुड़े हुए होते हैं और अब वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं एंड स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स, ठीक है? फिर है टीलोफेज, टीलोफेज के अंदर the chromatids reach at the respective poles and their movement ceases. The chromatids move toward opposite poles and their movement ceases. कि वो opposite pole में पहुंच जाते हैं और उनकी movement रुक जाती है. जल्दी जल्दी बेटा mark करो आप लोग ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें. इसका दूसरा पॉइंट बनेगा ईच पोल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल. फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्म्ड फिर इसके साथ ही टीलोफेस के एंड होते ही फिर आप लिख लोगे साइटोकिनेसिस. द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आल्सो डिवाइड्स इनटू टू डॉटर डिवाइड्स एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. अच्छा अब आप क्या सोच रहे हो क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है माइटोसिस? साइटोकिनेसिस में सिर्फ ये एक ही पॉइंट आएगा. मैं तो फिलहाल यही सोच रही हूँ कि एक ही पॉइंट लिखा जाए, लेकिन हाँ अगर साइटोकिनेसिस का टॉपिक अलग से ही आ जाए, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आ जाए साइटोकिनेसिस, तब आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी. लेकिन अगर सिर्फ जी मैंने कॉपी में एक क्वेश्चन बनाया था कि डिफाइन साइटोकिनेसिस, तो उसमें मैंने फिर पूरा पैराग्राफ लिख दिया था. चलो ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक किया आपने. अगर सिर्फ माइटोसिस के अंदर आएगा, साइटोकिनेसिस के को आपने एंड में लिखना होगा, एक लाइन साइटोकिनेसिस की हेडिंग के साथ लिखनी होगी अगर पूरा प्रोसेस आता है माइटोसिस का. तो आप ही बस एक 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 लाइन लिखोगे तो भी इनफ है. लेकिन जब अगर साइटोकिनेसिस का क्वेश्चन अलग से ही आ जाए, तो क्वेश्चन अलग से आएगा तो आपको जवाब में ये सब बातें लिखनी पड़ेंगी कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो डीप डीप होती चली जाती है तो साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है. बस बात वही है, थोड़ी सी बढ़ा के लिखी हुई है. ओके अच्छा अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. मैंने आपसे कहा कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी बॉडी सेल्स हैं उसके अंदर जो है वो माइटोसिस होती है, ठीक है? तो अब आप मुझे आप बताइए अपने अंदाजे से सजेशन दीजिए कि सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, फायदा क्या है माइटोसिस का? मिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. For the development of offsprings. For the development of offsprings. Yes. Offsprings किसे कहते हैं? Offspring किसे कहते हैं फातिमा? Miss offsprings जो parent cells से बनते हैं.
ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं नस्ल को, जनरेशन को. जी ठीक है. जनरेशन, नस्ल. नस्ल क्या होती है? जो नस्ल ये होती है कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारी एग्जैक्ट कॉपी जो बनेगी, हम इंसानों की जो इंसान की एग्जैक्ट कॉपी जो बनेगी वो दूसरा इंसान होगा. ठीक है, उसे कहते हैं ऑफस्प्रिंग. यहाँ पर सेल्स जो है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं. सेल्स अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं, लेकिन ये जो डिवीजन हो रही है या ये हो रही है अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स में. और जब रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं इस, ये अब आगे आप मियोसिस के अंदर ये बात पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन वैसे मैं समझा दूं बात कि जो ऑफस्प्रिंग बनती है ना, वो ऑफस्प्रिंग बनती है बाय द फ्यूजन ऑफ टू रिप्रोडक्टिव सेल्स, बाय द फ्यूजन ऑफ टू रिप्रोडक्टिव सेल्स जो कि डिफरेंट सेक्सेस से आते हैं, मेल एंड फीमेल. जब वो कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद जो न्यू डॉटर सेल जो बनता है ना, वो सेल जो होता है वो जायगोट कहलाता है, जो कि आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल जो होता है इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाता है वो. ठीक है, ऑफस्प्रिंग उसे कहते हैं. यहां पर क्या है, माइटोसिस का फायदा क्या है? माइटोसिस इज हेल्पफुल इन ग्रोथ, इन हीलिंग. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे बच्चे थे, आप बच्चे थे, बच्चे से आप एडल्ट हो गए, एडोलेसेंस हो गया आपका, तो उस फॉर्म में क्या है, आपके सेल्स मल्टीप्लाई होते रहे, एग्जैक्ट कॉपी बनाते रहे, तो आपकी ग्रोथ किसकी मदद से हुई? माइटोसिस की मदद से. ऐसे ही जो है आपके बाल हैं, आपके नेल्स हैं, एवरीथिंग इन योर बॉडी क्या है, वो बढ़ती है किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू. ठीक है, तो माइटोसिस जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन आर बॉडी फॉर हीलिंग लाइक ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन माइटोसिस. तो यहीं पर जो ये पैराग्राफ है इसी के जो पॉइंट्स बना लेंगे हम लोग, दैट माइटोसिस इज हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, development and growth of organism by increasing exact copy of cells. यानि माइटोसिस जो है ना वो asexual reproduction है. अब मैं reproduction, ठीक है ये भी reproduction के अंदर ही आता है. reproduction means producing exact copy of by an organism. ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, asexual है और sexual है. जो आपने ऑफस्प्रिंग की बात की ना, वो सेक्सुअली जब डिवीजन सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो उससे फॉर्म होती है, और ए सेक्सुअल में माइटोसिस इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो सेक्सुअल जो होती है वो मियोसिस के थ्रू होती है. पहले तो मियोसिस के थ्रू जो है वो जो गैमेट्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल. लेकिन ये जो अभी हमने माइटोसिस पढ़ी, माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन की टाइप है. यहाँ पे देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है, विद फ्यू एक्सेप्शन ऑल काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस. The production of new somatic cells such as blood cells depends on mitosis. The healing, wounds, repair of wear and tear within organisms is also dependent upon the mitotic division. ठीक है, नए cells का बनना, growth होना, नए आपके जो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके बाल लंबे हो रहे हैं, आपके नेल्स ग्रो हो रहे हैं, सबके अंदर माइटोसिस, न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं थ्रू माइटोसिस. ठीक है, फिर आपको चोट लगती है, आपके वहाँ चोटें आपकी भरती हैं, हीलिंग होती है आपको, वो भी सब माइटोसिस के थ्रू होता है.
और माइटोसिस क्या है, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की टाइप है. अच्छा फिर है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस ये है सेल डेथ की टू फॉर्म्स है. एपोप्टोसिस जो है वो या सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो खुद ब खुद प्रोग्राम्ड सेल डैमेज होता है, ये सेल्स जो होते हैं वो खुद ब खुद मतलब उनको प्रोग्राम्ड होते हैं, यानी कि उनके पहले से उनके अंदर ये इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है कि उनको एक किसी मतलब फर्दर टाइम के अंदर उनको जो है वो सुसाइड कमिट कर लेनी है और खत्म हो जाना है. ठीक है, तो वो कहलाता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन. और है एक है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस कहते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से आपकी कुछ बॉडी पार्ट या आपके कुछ सेल्स डैमेज हो गए, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने की वजह से कोई लेयर ऑफ सेल वो खत्म हो गई, कोई टॉक्सिन या ट्यूमर वगैरह प्रोड्यूस होने से कोई लेयर ऑफ सेल्स जो है वो डैमेज हो गए, तो इसे आप कहते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ. ओके, टाइम वैसे हमारे पास कम ही बचा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मियोसिस को छोड़ के जल्दी से बढ़ जाओ एंजाइम्स की तरफ. ओके, अब चैप्टर एंजाइम की तरफ आ गई हूँ मैं. मिस मैम, मियोसिस कब पढ़ेंगे? मियोसिस हम तब पढ़ेंगे जब मैं ये सारे और चैप्टर्स कंप्लीट करवा लूं. माइटोसिस को पहले आप लोग पक्का कर लें. अगले वीक में मुझे माइटोसिस का टेस्ट दें, माइटोसिस आपके दिमाग में बैठ जाए तो मैं मियोसिस की तरफ लेके जाऊंगी. और हो सकता है अगर मुझे क्वेश्चंस भी नहीं करें ना. हाँ, अभी नहीं करें. ओके अच्छा, अब हमारी बॉडी की अब जब बात करते हैं एंजाइम्स की, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से समझा दें. व्हाई माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. ओके, व्हाई माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. चलें अब आप बताइए मुझे कि क्यों माइटोसिस नेसेसरी है ग्रोथ के लिए. मिस फॉर healing and mitosis is actually the process by which cell produces exact copy of itself. ठीक है, mitosis is the process by which an organism produces exact copy of itself, like the exact copy of the cell. तो growth के अंदर क्या होता है, growth के अंदर सारे तकरीबन cells जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके हेयर है, बाल है, आपके बाल लंबे हो रहे हैं तो बाल के अंदर क्या होता है, वो सेल जो है वो एक जैसे ही होते हैं जो लंबे हो रहे होते हैं. आहिस्ता आहिस्ता सेल्स डिवाइड होते जाते हैं तो क्या होता है, बाल आपका लंबा होता चला जाता है. ठीक है, सेल लंबे नहीं हो रहे होते, एक्चुअली बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हेयर ग्रोथ हो जाती है. ऐसे ही आपके नेल्स हैं, नेल्स आपके टूट जाते हैं, टूट गए अगर आपके नेल्स तो अब क्या होगा, उसमें माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सेम सेल फॉर्म होते चले जाएंगे. सेम सेल फॉर्म होने से क्या होगा, आपके नेल्स की लेंथ बढ़ जाएगी. अब जस्ट फॉर एग्जांपल, अब मैं एक और एग्जांपल दूं आपकी ब्लड सेल की. रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है आपके बोन मैरो के अंदर बनते हैं, हड्डी के गूदे के अंदर बनते हैं. ठीक है, अब वहां पर जो पहले से ही मौजूद रेड ब्लड सेल होता है वो डिवाइड होता है मजीद सेल्स के अंदर,
तो क्या होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स एक जैसे ही बनते हैं, ठीक है, एक जैसे ही बनते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनती है, तो क्या होता है वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी एक जैसा ही होता है. सो माइटोसिस इज अ आंसर के तौर पे कैसे लिखें? इसके आंसर के तौर पे यही लिखेंगे आप, माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच the cell formed contains the same number of chromosomes. Each division results into formation of new cells, which are exactly alike. So mitosis is helpful for helpful in growth. For example, growth of a hair, growth of nails, formation of red blood cells. ठीक है, महक आप भी नोट कर रही हैं, आपकी तो आवाज पूरी क्लास में आती नहीं. कर लिया. चलिए ठीक है, अब एंजाइम्स को स्टार्ट करने का टाइम है हमारे पास, 11:36 हो गए. एक क्वेश्चन ये भी है इसमें, हाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स.